बीते शनिवार 14 जनवरी को कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी के निधन के कारण 24 घंटे तक निलंबित रहने के बाद रविवार को भारत जोड़ो यात्रा की फिर शुरुआत हुई। रविवार को दिवंगत पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता रहे सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी से गले भी मिले। राहुल गांधी ने भी मूसेवाला के पिता के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर लिखा कि आज जालंधर में मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता स्वर्गीय सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जी यात्रा में शामिल हुए। उनमें अद्भुत साहस और धीरज देखा मैंने। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व और दिल में बेशुमार प्यार झलकता है। मेरा सलाम है ऐसे पिता को। बलकौर सिंह के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर कांग्रेस ने उनका आभार जताया और ट्वीट करते हुए लिखा, आज भारत जोड़ो यात्रा में बलकौर सिंह सिद्धू, प्रसिद्ध पंजाबी गायक, स्वर्गीय सिद्धू मूसेवाला के पिता ने राहुल गांधी के साथ मिलकर नफरत, भय और हिंसा फैलाने वाली ताकतों को करारा जवाब दिया। सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी थी। जानकारी के लिए बता दी कि मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू कांग्रेस पार्टी के नेता भी थे और मानसा से विधानसभा सीट के लिए चुनाव भी लड़ा था। कनाडा में रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा करते हुए कहा कि राहुल गांधी समाज के अलग अलग तबकों को एक साथ लाने में कामयाब रहे और उन्हें ये एहसास कराया कि देश में एकता कितनी जरूरी है। पिछले साल कांग्रेस छोड़ने वाले सिब्बल ने कहा कि पार्टी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा सफल प्रतीत होती है और इसे गैर कांग्रेसी तत्वों का समर्थन मिला है। बलकौर सिंह और राहुल गांधी के बीच हुई बातचीत को लेकर जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश से सवाल पूछा गया तो आइए सुन लेते हैं कि उन्होंने इस पर क्या कहा। कल आए थे राहुल जी, उनके साथ काफ़ी लंबी देर तक चले और एक भावनात्मक मीटिंग था दोनों के बीच में और उसके फोटो भी अभी सोशल मीडिया में उपलब्ध है, पर क्या बात हुई मैं नहीं जान आपको बता पाऊंगा। बता दें कि शनिवार की सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संतोष सिंह चौधरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बीते रविवार को किया गया। राहुल गांधी के साथ कई वरिष्ठ नेता संतोष चौधरी के अंतिम संस्कार पर पहुंचे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर भी संतोष सिंह चौधरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, श्री संतोष सिंह चौधरी के अकस्मात निधन से स्तब्ध हूं। वो जमीन से जुड़े परिश्रमी नेता, एक नेक इंसान और कांग्रेस परिवार के मजबूत स्तंभ थे, जिन्होंने युवा कांग्रेस से सांसद तक अपना जीवन जनसेवा को समर्पित किया। शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। 24 घंटों तक निलंबित रहने के बाद आज पंजाब के जालंधर से भारत जोड़ो यात्रा की फिर शुरुआत हुई और ये यात्रा आदमपुर से होते हुए आज शाम तक होशियारपुर पहुंच जाएगी। आइए अंत में देख लेते हैं राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई सिद्धू मूसेवाला के पिता के साथ कुछ तस्वीरें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।